ఎంఐఎం నేత అక్బరుద్దీన్ కాషాయ నేతలపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు హైదరాబాద్ బీజేపీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మాధవిలత. పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ల నుండి రోహింగ్యాలను రప్పించి ఇక్కడ వారి జనాభాని పెంచుతున్నారన్నారు. మాధవిలత వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు ఎంఐఎం అధినేత అస్దుద్దీన్ ఓవైసీ. ఇద్దరు వ్యాఖ్యలపై దేశంలో హింస చెలరేగితే దాని పూర్తి బాధ్యత ప్రధాని మోదీదే అన్నారు. ముస్లింలకు మోదీ వ్యతిరేకమని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు 17 కోట్ల ముస్లింలకు కూడా ఆయన ప్రధాని అన్నారు అస్దుద్దీన్ ఓవైసీ. साहब ये डायरेक्ट तालुका तुम्हारे सीआईए से है, ये डायरेक्ट तालुका तुम्हारे सीआईए से है. ये अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं. क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? जहां यहां के मुसलमान गरीब है ऊपर से ये बाहर से मुसलमान आने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तब ये लोग इस प्रकार का गलत सोच विचार लोगों के अंदर घुसते हैं, डालते हैं इसके अंदर. तो प्रधानमंत्री को तो इस देश की चिंता होती है ना, तो उन्हें क्या करे. अब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतने योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है, बताइए. दो टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं. अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए और आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है. इसीलिए प्रधानमंत्री जी अभी जब कांग्रेस के साथ मिलकर ये कहते हैं सारा मुसलमान को दे देंगे, तो बाकी के 120 करोड़ हिंदू कहां जाना. आपके पास है जवाब? है आपके किसी के पास जवाब? 120 करोड़ पूरे हिंदू कहां जाना? नहीं है जवाब किसी के पास. मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है. वो 2002 से सिर्फ नफरत के मजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की. वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाएगा तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी.